पार्टी ने चिंतन और सोच का दायरा बड़ा किया है। राज्य की आवश्यकता के अनुसार राजनीतिक क्षेत्र में युवाओं का पदार्पण, युवा सोच का राजनीति में दखल, ये आवश्यक है और इसी आधार पर ये सारी तैयारी हमारी चल रही है कि इस राज्य के वर्तमान हालात आपके सामने है। आज आपने देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी 1983 में कपिल देव की तरह लग रहे हैं। कपिल देव जिस तरह से एक कप उठा के खड़े थे और जो मुस्कुराहट थी, बिल्कुल उसी तरह का मैं आज फ्रंट पेज में मुख्यमंत्री को देख रहा था। मुख्यमंत्री जी उसी तरह से कप लेकर झारखंड के लोगों को संबोधित करते हुए जिन शब्दों को कहा है या जो छापा गया है उसमें बड़ा रखा है कि यहाँ के खान संपदा से भी बड़ा विषय खिलाड़ी का है, बड़ा विषय खेल खिलाड़ी है और इनको प्रोत्साहन करना चाहिए। चूंकि ये तो बहुत स्पष्ट बातें थी कि खिलाड़ियों का दर्जा इतना ऊपर का दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो भी एक जगह का खिलाड़ी है और वो एक भी कप उनको मिला हुआ है। उसके नीचे बिल्कुल छपा हुआ है कि उस किस मैदान के खिलाड़ी हैं, उसके नीचे में छपा हुआ है और उसका कप उठाकर मुख्यमंत्री जी खड़े हैं। वातावरण को, मेरे शब्दों को आप थोड़ा उल्लेखित करके समझ लीजिएगा, लेकिन सब चीजें अच्छा नहीं है इस प्रदेश में। इस प्रदेश का वजूद, इस प्रदेश की आवश्यकता और इस प्रदेश का ओहदा जहां होना चाहिए आज वहां नहीं है और इसके लिए हम सभी लोगों को, चाहे वो छोटा कोई नहीं होता, वैचारिक रूप से मजबूत होना चाहिए। वो गांव का रहने वाला हो, कस्बा का रहने वाला हो, मुख्यालय का रहने वाला हो, लेकिन एक कॉमन सोच हम सबको बनाना पड़ेगा और इस सोच में सबको रखना पड़ेगा और सबको साथ लेके इस राज्य का हमको उद्धार करना है। इस राज्य के वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति से हमको उभारना है, ये मेरी बेसिक तैयारी है। मैं राज्य के मूल्यों को समझता हूँ, राज्य के भविष्य को देख रहा हूँ, लेकिन उसके लिए हमें कदम ताल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और इस मेहनत में एक एक छोटा आदना कार्यकर्ता का भी भूमिका बड़ा होता है। इसलिए आप सभी वर्तमान परिस्थिति में हमारे साथ सहज महसूस करेंगे, एक सहज वातावरण आपको लगेगा। एक राजनेता के मंच में एक साधारण जो राजनीतिक प्रवेश करने वाला व्यक्ति भी सहज महसूस करेगा, वो केवल एक पार्टी है, वो आजसू पार्टी में ये वातावरण आपको मिलेगा। दूसरा पार्टी में ये वातावरण सहज नहीं है और साधारण भी नहीं है। इसलिए मैं आप सभी का सम्मान करते हुए इस राज्य का भागीदार बनाता हूँ आपको कि आइए हम सब मेहनत करके, एक पुण्य दिन में आज इनका ज्वाइनिंग हो रहा है पंजी का, तो निश्चित रूप से इनके प्रभाव का, इनकी क्षमता का लाभ पार्टी को मिलेगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।